पेरेंट्स अपनी एक बहुत ही खास प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं और आते हैं। वो कहते हैं कि मैम ये बताएं कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है अपनी एजुकेशन में, जबकि हमने उसका जो एडमिशन है वो एक अच्छे स्कूल में या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिससे भी वो बच्चा रिलेटेड होता है, उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मैम हमने करा है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है जो उसके पहले स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में था। तो देखें व्यूअर्स, मैं बड़ी माजरस के साथ ये कहना चाहूँगी कि कुछ जो पेरेंट्स हैं उनकी ये सोच है कि हम अगर अपने बच्चे को एक महंगे अच्छे स्कूल में भेजेंगे तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा, और अगर हम किसी सस्ते से स्कूल में भेजते हैं तो वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए एजुकेशन में। पहले तो आप ये सस्ता और महंगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड से आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी इसी सोच का जो असर है वो आपके बच्चों पर पड़ता है, और इससे अपने बच्चों को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप को ये समझाएं कि एजुकेशन जो है वो महंगे स्कूलों के कॉन्सेप्ट में नहीं आती, वो बेहतरीन टीचरों के पढ़ाने से आती है, उस एनवायरनमेंट से आती है जो एजुकेशनली बच्चे को दिया जाता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, बजाय इसके कि वो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहा है या वो कम फीस जाने वाले स्कूल में पढ़ रहा है। मेन चीज़ है कि आपका बच्चा कितना कंफर्टेबल है उस एनवायरनमेंट में जो कि एजुकेशनली वाइज आपने उसे प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो और दूसरे पेरेंट्स को देखकर कि भाई रिश्तेदारों को देखकर कि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में, बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपने बच्चे को वहाँ भेजूँ, और वो भेज देते हैं। जबकि जो बच्चा है उस पर क्या बीत रही है वो ये नहीं सोचते, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जा रहा है, अपने अपने पुराने टीचर्स, स्कूल्स को, अपनी पढ़ाई को, अपने कॉन्फिडेंस जो उसका उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी स्कूल में अपनी स्टडी से रिलेटेड था उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करता हुआ वो नई जगह पर जा रहा है। तो आप उस पर प्रेशर बनाने के बजाय आप उसे ये तसल्ली दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर मोड़ पे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम नई जगह जा रहे हो, धीरे धीरे तुम ग्रोथ करोगे, एकदम से तुम क्लासमेट्स की बराबरी पे नहीं आ पाओगे, तुम्हें कुछ वक्त लगेगा और तुम अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे, ये हमें यकीन है तुम पर। ये पहली चीज़ है जो आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए डिप्रेशन से बचाने के लिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बच्चे पे बहुत असर डालती है कि मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करा है, लोगों के कहने पे मुझे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा है, अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा तो उन पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इस सोच से आप अपने बच्चे को आज़ाद करिए और ख़ुद को भी, तभी आपका बच्चा और आप अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे एक दूसरे के साथ एजुकेशन को अपने बच्चे को बेहतर तरीके से दिलवाने में। और सेकंड पॉइंट ये है व्यूअर्स कि देखें स्कूल जो है वो महंगा या सस्ते पे डिपेंड नहीं होता, वो होता है वहाँ के टीचर्स द्वारा दी गई एजुकेशन पर, एजुकेशनल इन्वायरमेंट पे जो स्कूल प्रोवाइड कराता है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट में रहें कि भाई महंगा है तो अच्छा है और सस्ता है तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यूपीएससी या और किसी भी बड़े एग्ज़ाम में जो हैं वो छोटे स्कूल के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में निकल कर आते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि हर परेशानी हर मुश्किल में एजुकेशनली हम तुम्हारे साथ हैं, और पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं तो वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँच पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स सबसे पहले अपने दिमाग से महंगा सस्ता अच्छा बुरा निकालें और फिर अपने बच्चे को भी इसी सोच में ढालें कि बेटा
जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी एजुकेशन है, वो महंगे स्कूलों या सस्ते स्कूलों से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो रखती है आपके टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाने से, और आपकी अपनी खुद की मेहनत पे जो आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। क्योंकि देखिए, टीचर भले से कितना भी पढ़ा दे, लेकिन जब तक स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करता, अपने आप पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश नहीं करता, सारी कोशिशें बेकार होती हैं हर किसी की। तो ये ज़रूरी है कि आप इन दो पॉइंट्स पे अगर फोकस खुद भी करें और अपने बच्चे को भी कराएं, तो वो हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में अपने आप को स्टेबल कर पाएगा और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा वहाँ। उस पे प्रेशर बनाना प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि बाहर वालों से ज़्यादा जो घर के लोग होते हैं, जो अपने माँ बाप भाई बहन होते हैं, उनकी सोच का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चे पे, और वो धीरे धीरे अपने अंदर जो है वो चीज़ों को छुपाने और समेटने लगता है, और जिससे वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने आप में ये थोड़ा सुधार लाइए, और अपने बच्चे को भी कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप वो लगातार करते रहो और उसे बेहतर करने की कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपको कभी भी इन परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा, और आपको ये नहीं लगेगा कि आपका बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आप इन्फॉर्म करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।